आज हमारी रसोई में कुछ नया बनने वाला है। नया तो आप देख के ही समझ गए होंगे, आपने गोभी आलू भी खाया होगा खूब बनाकर और मेथी आलू भी बनाया होगा। आज हम कुछ नया बनाने वाले हैं, ना तो आपने कभी बनाई होगी, ना तो कभी खाई होगी, ना तो कभी देखी होगी। तो चलिए, यहाँ पे हमने नया बनाने के लिए लिए यहाँ पे गोभी। तो गोभी के लिए हमने दो फूल फूल देख सकते हो, गोभी का एकदम फ्रेश है और अभी सर्दियाँ शुरू हो चुकी है तो गोभी खूब आ रही है मार्केट में भर भर के। तो देख सकते हो यहाँ पे हमने दो फूल ले लिए और यहाँ पे लिए हमने मेथी। मेथी में बहुत सारे कचरा वगैरह आता है, वो हमें अच्छे से साफ कर लिया हमने पहले से और इनको देख के 2 से 3 बार पानी से धो लिया ताकि कि मिट्टी वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए और साफ भी हो जाए मेथी। ये देख सकते हो मेथी भी आना शुरू हो गई है। हम गोभी और मेथी की सब्जी बनाएंगे जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, ज़बरदस्त लगती है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मेथी को साफ कर लेना है, फिर 2 से 3 बार पानी से धो लेना है। अब हमें मेथी की करनी है कटिंग। अब कटिंग कैसे करनी है मैं ये भी बता देती हूँ। मेथी की दो तरीके से कटिंग होती है, कोई तो बारीक करता है कोई या फिर मोटी करता है। तो मुझे ज़्यादा पसंद है बारीक बारीक मेथी की कटिंग। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेथी का एक मूठा बना लेते हैं ये देखिए इस तरीके से, और बाकी की मेथी है जो हटा देंगे। और इस तरीके 2 से 3 मुठ्ठा में हम काट लेंगे ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए थोड़ा थोड़ा हमें इस तरीके से लेनी है चाकू के। ये देखिए जितनी बारीक मेथी काटोगे ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। और आज हम इस तरीके से मेथी गोभी की सब्जी बनाएंगे। मेथी बहुत से लोगों को क्या लगती है कि कड़वी लगती है, आज हम मेथी जो बनने वाली है वो बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी और जो भी आपकी मेथी गोभी खा लेगा ना वो आपका दीवाना हो जाएगा। और आपसे ये रेसिपी ज़रूर पूछेगा कि आपने किस तरीके से बनाई। तो चलिए इसी तरीके से हम सारी मेथी है जो कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ हमने मेथी को काट लिया, ये देख सकते हो पूरी मेथी हमने काट ली है। अब बारी आती है यहाँ पर गोभी को साफ करने की। अब हम क्या करेंगे, गोभी को भी अच्छे से डंठल गोभी के पीछे के होते हैं ना वो हम तोड़ लेंगे। ये देखिए, तो चलिए यहाँ पर हमने डंठल को हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, बीच से इस तरीके से ये लीजिए तो ये हम हटा देंगे इसको। वैसे तो डंठल की सब्जी बहुत बनती है, गोभी का डंठल होता है ना जो पीछे वाला उसकी सब्जी भी बनती है, आप इकट्ठे कर लें तो एक दिन जरूर सब्जी बनाए गोभी के डंठल की, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। अगर आपको रेसिपी लेनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप डंठल की सब्जी हमें रेसिपी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हमने बड़े बड़े फूल तोड़ लिए अभी, ये देखिए इस तरीके से ही सारी गोभी है जो साफ कर लेते हैं हम। तो यहाँ हमने गोभी को काट लिया, अब हम क्या करेंगे, गोभी को 2 से 3 बार अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पे हम छलनी में निकाल लेते हैं, फिर इसको नल के नीचे हम अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ हमने गोभी को धो लिया, अब चलते हैं हम गैस की तरफ। यहाँ हमारी गोभी भी धुल के तैयार है, इधर हमने मेथी भी काट ली है और इधर हमने 2 बड़ी साइज की प्याज ले ली है और इसी के साथ ही हमने लिया लहसुन गोल शेप में कटा हुआ। और यहाँ लेंगे हम राई, इसके लिए हींग पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, काली मिर्ची पाउडर, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, देगी मिर्च। तो ये थे हमारे मसाले। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमारी कढ़ाई है जो अच्छे से गर्म हो गई, अब डाल देंगे इसमें तेल और तेल डालेंगे 3 चमचे बड़े। तो यहाँ हमने तेल को अच्छे से गर्म कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इसी तेल में हम करेंगे गोभी को हल्का सा सेलो फ्राई। ये देखिए गोभी हमारी फ्राई हो चुकी है, हल्के से गोभी के ऊपर ब्राउन ब्राउन चटाक पा चुके हैं। ये हमारी सेलो फ्राई गोभी है जो हो गई है। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं, बाकी की बची हुई गोभी को भी इसी तरीके से हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे,
हमारी गोभी भी दूसरी बार की भी फ्राई हो चुकी है, तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। देखिए हमने गोभी को निकाल लिया, अब क्या करेंगे, इसी तेल में हम जीरा डाल देंगे और डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पर राई के दाने, और इसी के साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पर हींग पाउडर और डाल देंगे यहाँ पर 3 हरी मिर्ची कटी हुई, और अब डाल देंगे यहाँ पर हम लहसुन चॉप कर गोल गोल शेप में कटा हुआ, मेथी में थोड़ा लहसुन ज़्यादा डालेंगे ना तो मेथी है जो आपकी बहुत टेस्टी बनेगी गोभी के साथ में। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लहसुन को अच्छे से सेक लेंगे। तो लहसुन हमारा हल्का सा सिक चुका है, अब डाल देंगे यहाँ पर हम प्याज, अब प्याज को हम हल्का सा सुनहरा होने तक भूनेंगे, पूरी भूनेंगे नहीं हम, लगातार चलाते हुए। तो यह देखिए प्याज हमारी सिक चुकी है, इसको हमने पूरी तरह से नहीं सेका है, थोड़ा सा इसमें कच्चापन रहना चाहिए, और यही हम डाल देते हैं मेथी। बाकी की बची हुई क्या होगा, प्याज हमारी जब मेथी हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे ना, तो प्याज है जो इसके साथ ही हम सिक जाएगी, और मेथी के अंदर हम इसलिए प्याज को प्याज के साथ में और लहसुन के साथ में मेथी को भूनेंगे 2 से 3 मिनट लगातार चलाते चलाते, और इससे क्या होगा, प्याज का लहसुन का अंदर मेथी के फ्लेवर जाएगा ना, तो बहुत टेस्टी लगती है और कड़वापन भी ख़त्म हो जाता है मेथी को फ्राई करने से। 2 से 3 मिनट तक लगातार मेथी को फ्राई कर लेंगे ना, इस बात की गारंटी है मेथी जिस किसी को कड़वी लगती होगी ना, बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगने वाली है। तो यहाँ हमने मेथी को 2 से 3 मिनट तक लगातार इसी तरीके से हम चलाते रहे हैं, और मेथी का कड़वापन बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और थोड़ा बहुत पानी रहता है ना मेथी में वो भी सूख गया। अब हम बीच में थोड़ी सी जगह करेंगे ताकि का ऑयल आकर मेथी में से खट्टा हो जाए। ये देखिए इतनी बुनाई करी हमने, मेथी में से तेल है जो अलग हो चुका है, ये देखिए काफ़ी तेल है अलग हो गया है, थोड़ी सी हम जगह करते जाएंगे और तेल को अलग करते जाएंगे मेथी में, क्योंकि हम मसाले हम बीच में डालने वाले हैं, ताकि जो मसाले हमारे जो डालेंगे ना वो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहेंगे और आपको मेथी निकालने की बाहर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसी में आपके मसाले जो पक्के तैयार हो जाएंगे। हमने ऊपर से कोई मसाला डालना नहीं है, बाकी के मसाले इसमें डालने हैं तो तेल में इसी तरीके से सिक जाएंगे। तो यहाँ पर हमें डालनी है सबसे पहले हल्दी पाउडर 1 बड़ी चम्मच, धनिया पाउडर आधी बड़ी चम्मच डालेंगे, यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर, और यहाँ हम कोई मसाले अलग से नहीं डाल रहे, यहाँ डालेंगे थोड़ी सी देगी मिर्च चटपटा फ्लेवर देने के लिए, यहाँ डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच चाट मसाला, यहाँ डालेंगे काली मिर्ची पाउडर, इससे क्या होता है जो मसाले का स्वाद है ना काली मिर्ची पाउडर से बहुत अलग हो जाता है और चटपटा सा भी फ्लेवर आता है। और अब हम क्या करेंगे, यही हम गोभी को मसाले को हल्का सा तेल में इसी तरीके से भून लेंगे बीच में करते हुए। ये देखिए सभी मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म था तो मसाले अच्छे से भून गए हैं, तो अब हम अच्छे से मिला लेते हैं और यही डाल देंगे अपनी गोभी जो हमने फ्राई करके रखी है ना वो डाल देते हैं इसमें, और अब गोभी और मेथी को अच्छे से मिलानी है हमें मसाले के साथ में, और अब डाल देंगे अभी इसमें डालने वाले हम टमाटर 1, अगर टमाटर आप मेथी आलू में पसंद करते हो या गोभी में मेथी में पसंद करते हो तो ही डालें, वरना बगैर टमाटर की भी सब्जी बन जाएगी। तो यहाँ पे हम हल्का सा टमाटर का टेस्ट देने के लिए बस 1 ही टमाटर डालेंगे, ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं है, तो अच्छे से मिला लेंगे और ढक के रख देंगे इसको 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ हमने अच्छे से देखिए मिला लिया है, अब यहाँ पे हम लो फ्लेम पे इसको ढक्कन लगा देते हैं पकने के लिए,
सिर्फ 2 मिनट के लिए। हमारे 2 से 3 मिनट हो गए, टोटल हमारे 3 मिनट हो गए पकते हुए इसको लो फ्लेम पे। तो यहाँ पे हम ढक्कन को उठा लेते हैं और चेक कर लेंगे एक बार। तो यह देखिए बिल्कुल पूरी तरह से हमारी गोभी भी पक गई है, मेथी भी पक गई है। मेथी तो हमने पहले ही पका ली थी, उसको फ्राई करते हुए तो ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी हमें। और मैं गोभी को भी हमने फ्राई कर लिया तो बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो हमारी बन के तैयार हो गई है गोभी मेथी की सब्जी। तो आज की रेसिपी आपको गोभी मेथी की पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए।